भारत पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर भारत के कदम से पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसता नजर आएगा। तो वहीं पर अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान को लेकर ये कौन सी बड़ी खबर जिससे पाकिस्तान का गला खुशक होता नजर आ रहा। दरअसल दशकों पुराने इंडस वाटर ट्रीट को लेकर इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। भारत के इस समझौते में बदलाव की मांग उठाई है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक ये कहा है कि इंडस वाटर ट्रीट की समीक्षा की जानी बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक कि बीते महीने 30 तारीख को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया। समझौते की जो बात बताई जा रही है उसमें जनसंख्या में बदलाव, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारत उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता शामिल बताई है। भारत ने ये कहा कि समझौते के बाद से ही काफी ज्यादा अब बदलाव हो चुके। आपको बता दें कि 1.5 साल में ये दूसरी बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। भारत पक्ष ने संधि के तहत विवाद समाधान तंत्र पर सुविचार करने के लिए आह्वान किया। तो वहीं पर आपको बताते चलें कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या जिसको लेकर भारत ने हस्तक्षेप किया। विश्व बैंक की मदस्था से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि के ऊपर जवाहरलाल नेहरू और तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदी रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण प्राप्त हुआ, जिसको लेकर अब भारत पाकिस्तान से फिर से इस पर विचार करने की मांग कर रहा। बहरहाल ये देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी समझौते पर आखिर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।